आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बूस्टर डोज लगाने के लिए फीता काटकर शुभारंभ किया। गाजीपुर के जमालिया नगर कस्बा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रविवार को भाजपा की पूर्व विधायक सुमिता सिंह द्वारा कोरोना का बूस्टर डोज का फीता काटकर शुभारंभ किया। बताया जा रहा है, बढ़ते कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नगर कस्बा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरोइन, न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवेथा, केंद्र तिहरी को मिलाकर 2000 लोगों को बूस्टर डोज लगाने के लिए टारगेट दिया गया, जिसके तहत रविवार को अभियान चलाकर बूस्टर डोज लगाने के लिए लोग कतार में खड़े रहे। लोगों को बूस्टर डोज लगाया गया। केंद्र प्रभारी रविरंजन ने बताया, रविवार को पूर्व विधायक श्रीमती सुनीता सिंह के द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। उन्होंने बताया, पीएचसी सहित अन्य 4 स्वास्थ्य केंद्रों को 2000 बूस्टर डोज लगाने के लिए विभागीय स्तर पर टारगेट दिया गया। केंद्र पर रविवार को सभी स्वास्थ्य केंद्र पर कतार में खड़े लोगों को बूस्टर डोज लगाई गई। मौके पर केंद्र प्रभारी चिकित्सक रवि रंजन के अलावा फार्मासिस्ट सुनील भास्कर, वार्ड बॉय महेंद्र सिंह के साथ क्षेत्र के कालनपुर ग्राम प्रधान ललिता प्रसाद निषाद आदि लोग उपस्थित रहे। सलीम मंसूरी, ब्यूरो चीफ, गाजीपुर की रिपोर्ट।